हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में हो रही तेज बारिश का कहर जारी है। जी हां, देर रात से जारी भारी बारिश धुंध के कारण स्वारघाट के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पहाड़ी से गिर गई। वहीं स्वारघाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर तीन गाड़ियों की टक्कर हो गई। दो ट्रक और एक कार आपस में टकरा गई। एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि घुमार में बरेठी मार्ग भूस्खलन से बंद है और विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी को कीर्तपुर साहिब बिलासपुर से जोड़ने वाला रोड भी भारी भूस्खलन से बंद रहा, जिस कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पीडब्ल्यू विभाग ने रोड को जल्दी श्रद्धालुओं के लिए बहाल कर दिया था। इसके अलावा जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर पड़ रही धुंध से विजिबिलिटी कम होने के कारण जहां पर गाड़ियां चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अभी भी बरसात का दौर जारी है और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना पर तुरंत संपर्क किया जा सके और पीडब्ल्यू विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह पूरी तरह से सतर्क रहें। जब हम मौके पर पहुंचे तो दोनों बंदे यहां सड़क में पड़े हुए थे, गाड़ी सड़क में थी और बाद में काफ़ी बंदे यहां पहुंच गए थे और उनको इकट्ठा करके बाद में पुलिस आई। पुलिस ने उनको यहां फोटो फाटो लिए, उससे बाद फिर उनको पुलिस की गाड़ी में स्वारघाट भेजा गया, उसके बाद बिलासपुर के लिए लेके गए उनको। झारखंड से आए हुए हैं गढ़वा जिला से, धुंध के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रहा है। दर्शन बहुत अच्छा से हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है। जो नैना देवी को रास्ता आता है वो जो बारिश की वजह से बंद हो गया था, अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए जिला प्रशासन ने उसे वर्तमान में यात्रियों के लिए श्रद्धालुगणों के लिए खोल दिया है, बहुत ही जल्दी खोल दिया है, जिसके लिए सराहनीय है उनका ये प्रयास। साथ ही भारी बारिश की वजह से हाल ही में दो एक्सीडेंट भी हुए हैं, जिसमें यहाँ के दो लोगों की मृत्यु हुई है, तीन गाड़ियाँ आपस में भी टकराई। प्रशासन से उम्मीद है कि फटाफट इस बारे में संदर्भ में लोगों की सहायता के लिए उचित।